नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FCI रिक्रूटमेंट यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा चौकीदार भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के बारे में, जिसमें लगभग 800 से भी ज़्यादा पोस्ट जारी किए गए हैं और जिसके लिए महज सिर्फ 5वीं या 8वीं पास मांगे हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है दोस्तों, अगर आप सिर्फ 5वीं या 8वीं पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप बिल्कुल एप्लीकेबल हैं। जिसके वेतनमान की बात करें तो 23,300 से लेकर 64,000 तक निर्धारित किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास संबंधित पोस्ट के लिए आपके पास अगर योग्यता है तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। इसे आवेदन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से करनी है। लास्ट डेट की बात करें तो आपको 10 नवंबर 2021 तक आपको ऑनलाइन आवेदन जमा कर लेना है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए और सबसे पहले जल्दी आवेदन कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का पोर्टल पे सर्वर प्रॉब्लम या किसी तरह का और प्रॉब्लम ना हो। आप तो जान ही रहे हैं कि आज के दौर में सरकारी नौकरी पाने के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन मंजिल या सफलता उसी को मिलती है जो सबसे अलग सोचता है और करता है। नौकरी के लिए जितना इम्पोर्टेंट है आपका मेहनत करना, उतना ही ज़रूरी है मौके की तलाश करना। लेकिन पता कैसे चलेगा? अगर समय पर आवेदन नहीं कर पाएंगे तो की गई मेहनत और तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कैसे, किस समय मौका आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित निकलने वाले जॉब की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह वैकेंसी जारी की गई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा चौकीदार। जी हाँ दोस्तों, यह वॉचमैन वैकेंसी के लिए भर्ती जारी किया गया है और भी पूरे ऑल इंडिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और संबंधित पोस्ट के लिए आपके पास योग्यताएँ हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके पोस्ट की बात करें तो चौकीदार यानी वॉचमैन के लिए कुल पद 860 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 345 है, ओबीसी के लिए 180 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 86 पोस्ट हैं और वहीं एससी के लिए 249 पोस्ट हैं। यहां पर एसटी कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं जारी की गई है। चलिए अब बात करते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता की। तो भारतीय खाद्य निगम भर्ती के लिए रोजगार अधिसूचना पर वॉचमैन जॉब हेतु आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से आपको 5वीं या 8वीं पास होना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों अगर आप विभागीय कर्मचारी हैं, अगर वहीं पे आप कार्यरत हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास अगर हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इनके एज लिमिट की। तो इनकी एज लिमिट रोजगार अधिसूचना पर आवेदन करने के लिए कम से कम आपको 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए या अधिक से अधिक 25 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में छूट की जानकारी के लिए आपको इनके विभागीय वेबसाइट का अवलोकन जरूर करेंगे, क्योंकि आरक्षित वर्ग में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए आरक्षित कोटा के हिसाब से उनकी आयु में वृद्धि की जाती है। तो आप इसके नोटिफिकेशन का अवलोकन जरूर कर लें। चलिए अब बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, एज है, तो आप आवेदन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जाना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से आवेदन कर पाएंगे या आप उनके नोटिफिकेशन भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट की, जैसे कि आप आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे। तो इनकी प्रारंभिक तिथि जो है वो 11 अक्टूबर 2021 से आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। वहीं अगर लास्ट डेट की बात करें तो 10 नवंबर 2021 तक है। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन या एग्ज़ाम फीस की। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2021 में आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹250 शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी या फीमेल की बात करें तो इनको कोई फीस नहीं देनी है। इनके आवेदन शुल्क से रिलेटेड संबंधित जानकारी के लिए आपको इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर करना है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो FCI वॉचमैन रिक्रूटमेंट 2021 का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना है, जिसे पास करने के बाद उम्मीदवारों को रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप में फिटनेस टेस्ट से होकर गुजरना होगा, जिसकी डिटेल जानकारी इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप चेकआउट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके सैलरी की। अगर आप किसी भी तरह से आपका चयन हो जाता है, आप मेरिट सूची के लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वॉचमैन, एक वॉचमैन की पोस्ट के लिए इतनी सैलरी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनका वेतन मान है 33,300 से लेकर 64,000 रुपये तक है, जो काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आपका जो होने वाला है, आपकी अगर नियुक्ति होती है या उस डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग की जाती है, तो एक भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो चौकीदार भर्ती के लिए जो चयनित उम्मीदवार की जो जॉब लोकेशन है वो है पंजाब में। जी हाँ दोस्तों, यह पंजाब के लिए जॉब निकाली गई है, जिसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोज़गार पाने का मौका मिल सके। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जॉब से रिलेटेड पीडीएफ फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डेली पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।